वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को दिखाएंगे और आसान भाषा में सब कुछ समझाएंगे, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान में दिल्ली से मुंबई की दूरी सड़क मार्ग से करीब 1510 किलोमीटर है और अभी यात्रा में 24 घंटे का समय लगता है। इसका मुख्य नुकसान समय बहुत लगता है, ईंधन का उपयोग भी बहुत होता है जिससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है और ट्रैफिक जाम की भी एक मुख्य समस्या है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने दिल्ली से सीधे मुंबई को जोड़ने के लिए 8 लेन का एक्सप्रेसवे बनाने की योजना बनाई और 9 मार्च 2019 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की आधारशिला रखी और पूरी योजना को 31 पैकेज में बांटा गया है, जिसके पहला, दूसरा और तीसरा पैकेज हरियाणा में आता है। पैकेज 4 से लगाकर 16 तक कुल 13 पैकेज राजस्थान में है। पैकेज 17 से लगाकर 25 तक कुल 9 पैकेज मध्य प्रदेश में है और पैकेज 26 से लगाकर 31 तक कुल 6 पैकेज गुजरात में है। अब दिखाते हैं नदी पर बन रहे पुल के बारे में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप आपके भाई को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कर दीजिए। तो साथियों, एक्सप्रेसवे का 80-90% काम पूरा हो चुका है। कुछ बड़े पुलों का काम अभी बाकी है, जैसे बाणगंगा, मेज रिवर, चंबल आदि। बहुत जल्द यह भी पूरे हो जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां जो आपको बताना बहुत ज़रूरी हैं। तो गाइज, इस एक्सप्रेसवे में कुल 7 इंटरचेंज बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे कई जगह पर जंगलों से भी गुजरेगा, तो ऐसी स्थिति में जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए एनिमल ब्रिज भी बनाए जा रहे हैं, जिससे जानवर आसानी से रोड पार कर सकें। इस एक्सप्रेसवे में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में संपूर्ण खर्च 1,00,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें जमीन अधिग्रहण भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार एक्सप्रेसवे 26 जनवरी 2023 को बनकर तैयार हो जाएगा। एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए गांव और शहर का तेजी से विकास होगा और रोजगार भी उपलब्ध होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।